की बैठक हुई, क्या चर्चा उसमें रही और क्या मुद्दे ज्यादातर उसमें रहे? जैसे बुरमाना यूनिट जो प्लांट है एसीसी और अंबुजा को बंद कर दिया गया है, क्या चर्चा उसमें रही? नमस्कार जी। हमारी सर कल जो मीटिंग हुई थी, जो हमारे यूनियन के बिजनेस यूनियन और हमारे जो साहब गए थे मीटिंग में, जो डीसी साहब के साथ जो मीटिंग हुई, उन्होंने क्या कहा कि पहले काट दे दोबारा आगे जी क्या टकरार हुआ उनसे? जैसे अदानी ग्रुप भी है। थी, क्योंकि उनको पहले प्रपोजल चला हुआ था कि हमने फैक्ट्री को बंद करना था। कभी रेटों के पीछे रेट बढ़ा रहे थे, का पंगा डाल रहे थे, कभी कुछ लोडिंग का पंगा डाल रहे थे, कभी सीमेंट गाड़ियों के जो पंजाब हरियाणा जाता था उसको बंद कर दिया आस्ते आस्ते करके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, किराए के चक्कर में लड़ाई डाल दी, क्योंकि उन्होंने पहले प्री प्लानिंग काम कर रहे थे ये, कि इस चीज को एकदम से फैक्ट्री को बंद कर दिया। क्योंकि इन्होंने जिस दिन फैक्ट्री 15 तारीख को फैक्ट्री की है कि जल्दी से जल्दी, ये बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि इसने हथकंडा, अडानी ग्रुप ने एक हथकंडा अपना लिया है। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा सीमेंट एक नालागढ़ में है, सीमेंट फैक्ट्री है, उससे सीमेंट उठा लिया, और जो कि हिमाचल के अंदर सारे हर डिपो में हर डैम्प में इन्होंने वहां जा दिया। और उसके साथ इन्होंने उनको क्यों एसीसी सीमेंट भेज रहे हैं, जब हम नहीं कर रहे है तो आप क्यों कर रहे हो? तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस काम को ना करें। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिले हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वार्ता उनसे हुई है और क्या रिप्लाई उनका मिला है अभी तक? आपको वार्ता अभी तक हुई है आपकी और क्या रिप्लाई वहां से मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन तो 3 महीने से हमको बुला रहा है, परंतु आउटपुट जीरो हो रही है इससे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रशासन से काम नहीं हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है अगर नहीं होता है तो इसका मतलब प्रशासन को खुद पता है कि ये टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ, दो दो तीन तीन दिन का टाइम दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि सरकार बदल गई है तो टाइम पास करो, और हमारे तो ट्रांसपेरेंट हो जाने, तो इसलिए हमारे को भी ऐसा लारा लगा रखा है। मेरे तो हिसाब से ऐसे बोलता है। किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे, बंद करवाने के पीछे आप इसमें मानते जो हैं? इसमें तो अडानी ग्रुप का तो बिल्कुल साथ तो मिलके पूरा उनका हाथ है बीच में, इसमें तो बताने की बात ही नहीं है। क्योंकि अभी पता लगा, जैसे कि हरियाणा में एक आंदोलन हुआ था, तो इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो अभी ये आंदोलन अडानी ने यहां पे कर दिया, जिस आंदोलन का केंद्र सरकार को बाद में झुकना पड़ेगा, अभी यहां भी झुकना पड़ेगा। और भगत अगर हमको इतनी परेशानी पड़ेगी तो हमारे 6 रुपए किलोमीटर कौन ढोएगा, जो हमारे 95 में, और उस वक्त जो 11% हमारे से फ्लैट रेट किया था उस हिसाब से चलाए फैक्ट्री को, जो पहले का रेट था उस वक्त जो डीजल था 10 और 15 20 रुपए लीटर होता था, तो आज आज रुपए हो गया और 52,000 रुपए की। जो भी सीमेंट है वहां से यूज कर सकते हैं जो आम जनता है। तो अब अल्ट्राटेक का जो सीमेंट दे दिया, परंतु अल्ट्राटेक छोटा प्लांट है, वो पूरा भरपूर ही नहीं कर पाएगा। कितना यूज होता है दिन का एसीसी और वो? जो भी करेगा, डानी करेगा, वो केंद्र सरकार को भी मान्य होगा। तो जो एक्स आर्मी के ट्रक ऑपरेटर हैं, पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, क्या नतीजे निकल रहे हैं इनके? अभी हड़ताल तो रही, हमारा तो संघर्ष करना ही काम है, करना तो सरकार का काम है। अभी जो केंद्र सरकार बैठी है तो अडानी, तो अगर वो चाहे तो वो तो 1 घंटे के बाद ताला खोल दे, क्योंकि ताला तो हम तो काम करने चाहते हैं, परंतु ताला तो अडानी ग्रुप ने अपने आप खुद लगाया। ताला तो हम फैक्ट्री ने होड़ लगाया, फैक्ट्री को इन्होंने लगाया ताला, हमने होड़ लगाया ताला, या ट्रांसपोर्टर ने ताला लगाया तब हम बोले। अभी हम लोग तो इतने परेशान कर रखे इन्होंने कि ताला खुद लगाया और